खाना भी नहीं मिलता है ढंग से और हमारा दोपहर का नाश्ता भी नहीं मिलता है और हमें सही व्यवहार भी नहीं है उनका हमारे साथ। और फ़ोन लगाने जाते हैं तो फ़ोन भी नहीं लगाती, ये बोलती है तुम रोज़ाना तो बात करती हो तो तुम क्या बात करती हो, फिर भी जो बोलती है तुम स्कॉलरशिप के बारे में बोलती है तो ये बोलती है कि आप मोबाइल लोगी क्या ये बात करने के लिए, बस यही बोलती है। और कहाँ से आई हो? हम शिवपुरी से आए छात्रावास से। अरे हमारी एक समस्या है, हमको खाना ठीक से नहीं मिलता है और ना दोपहर का नाश्ता मिलता है और हमारी अगले साल की स्कॉलरशिप भी नहीं डाली, पिछले साल की हाँ और अब की साल की भी नहीं डाली, और सुबह मिलती है फिर रोटी और उससे ज़्यादा मांगते हो तो वो बोलते हैं कि खा तो लिया और क्या खाओ, चावल मिलते बस और दाल मिलती है और उसके अलावा कोई सब्जी भी नहीं मिलती है। सर बोल रहे थे हम आपकी आगे वो फरिंग कर रहे हैं, फिर हम यही बहुत चाहते हैं कि बस मैम को हटाया जाए हमारे हॉस्टल। और हम आज सुबह कोचिंग जा रहे थे 6 बजे तो बोल रही थी कि ना मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी तो खो गई, बोलती है टाइम में चेंज करवा दो, लेकिन हम कोचिंग का टाइम चेंज क्यों करवाएंगे, ऐसे के स्कूल का भी करवा देंगे क्या? महावीर जैन जिला संजय शिवपुरी जनजाति कार्य विभाग शिवपुरी। असल में हमारा एक छात्रावास है, सीनियर कन्या छात्रावास अनुसूचित जाति बच्चियों का है और ये सोच रही है पास होटल है उसके पास में प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित होता है। बाकी अधीक्षिका है राजकुमार कोहली, उसको 29 जुलाई को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और आश्रम साला डबिया में, तो वहाँ पर वो जाने गई। इसके पहले भी उनको वहाँ से हटाकर कार्यालय में अटैच किया गया था, क्योंकि शिक्षकी कार्य नहीं होने के कारण हमने उनको वापस शिक्षकी कार्य हेतु आश्रम शाला में रिलीव भी कर दिया, तो वो जाना नहीं चाहती और प्रशासन पर अधिकारियों पर सेक्चुअल हरेसमेंट के आरोप लगाती हैं और झूठे झूठे ये आरोप लगाते हैं कि 5 बजे के बाद मेरी छात्रावास आश्रम में निरीक्षण करने आते हैं, मेरी परेशान करते हैं। लड़कियों ने आज शिकायत की है कि हमको खाना नहीं दिया जाता, 3-3 रोटी दी जाती है, हमको अभद्र व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ गलत सलूक किया जाता है और हम रात में पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं दिया जाता, लाइट बंद कर दिया जाता है। ये मामला ये है कि अपने शिवपुरी में जो सगुन बाट का है उसके मालिक दिलीप सिंगल जी जो है अपने परिवार के साथ आज बुधवार होने के कारण जो है पौरी गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे और वो पौरी बस स्टैंड पर पहुँचे तो जो 108 नंबर जो है सरकारी वाहन है जो लोगों की मदद के लिए बनाई गई है, घायलों को ले जाने के लिए बनाई है, तत्काल उपचार के लिए बनाई गई है, उसके ड्राइवर द्वारा जो है शराब के नशे में धुत होकर जो है जो अपने सिंगल जी है उनके गाड़ी में टक्कर मार दी और जिससे उनका परिवार जो है बाल बाल बचा और उनकी गाड़ी भी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसमें जो है पूरी तरह से 108 के चालक द्वारा लापरवाही और शराब के नशे में धुत होकर जो है गाड़ी चलाई गई है। उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया है तो मैं आया हूँ और ड्राइवर को भी पुलिस ले आई है और उसका मेडिकल करा। ये अभी विजय तिवारी जी वकील साहब हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी तो उसके आधार पे हमने कार्रवाई की है। शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, माइन करके ड्राइवर है और एम्बुलेंस है जो सरकारी एम्बुलेंस है उस पर हम मोटर व्हीकल की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं चोट वोट नहीं आई है लेकिन बता रहे हैं कि साथ एक्सीडेंट होते होते बचा है, मरीज नहीं थी। हमारा उद्देश्य यह है कि शासन से हमारी मांगे 4 चली आ रही है लंबे। पहली मांग ये है कि हमको केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए जो काफ़ी समय से लंबित चला आ रहा है। दूसरी मांग ये है कि धारा 49 को हटाया जाए क्योंकि धारा 49 की अनावश्यक प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शासन ने डाल रखी है आपसी सहमति की, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत शासन भी इस संबंध में दोनों चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे चुका है, उसके बावजूद भी सहमति की प्रॉपर्टी डाल करके हमारे सारे वित्तीय क्लेमों को लंबित रखा जाता। हमारी मांग है कि धारा 49 को तत्काल हटाया जाए। शासन की क्या मंशा है ये तो हम क्या बताएं, लेकिन हमारे पेंशनर की मंशा ये है कि ये मांगे तत्काल मानी जाएं। हमारी दो मांगे और हैं कि स्वास्थ्य सुविधा का लाभ हमें दिया जाए आयुष्मान योजना के तहत, और चौथी मांग हमारी ये है कि 6वें और 7वें वेतनमान का जो 32 और 27 माह का एरियर है वो तत्काल भुगतान किया जाए। Gracias.